इसका मतलब यह हुआ कि उड़ीसा में आज जो लोग इकट्ठा हुए हैं उनका शरीर वहां है लेकिन मन बाली में है आप लोगों के बीच में है साथियों हम लोग अक्सर बातचीत में कहते हैं इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड ऐसा ही शब्द है था इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को देखें तो ये शब्द नहीं है ये हमें सच्चाई नजर आती है सटीक बैठता है समंदर की विशाल लहरों ने भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को लहरों की तरह ही उमंग से भरा है जीवंत रखा है थकान महसूस नहीं हुई वो लहरें जैसे चलती रहती हैं हमारा नाता भी वैसा ही जीवंत रहता है एक समय था जब कलिंग मेदांग जैसे साम्राज्यों के माध्यम से भारत का दर्शन भारत की संस्कृति इंडोनेशिया की धरती तक पहुंची आज एक ये समय है जब भारत और इंडोनेशिया 21वीं सदी में विकास के लिए एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं इंडोनेशिया की जमीन ने भारत से आए हुए लोगों को प्यार से एक्सेप्ट किया उन्हें अपने समाज में सम्मिलित किया इसी वजह से आज आप सभी इंडोनेशिया के विकास और समृद्धि में अपना योगदान दे रहे हैं हमारे बहुत सिंधी परिवार यहां रहते हैं